मिनट की चीज, क्योंकि कोई नई बात मैं बता ही नहीं रहा आपको, बातें हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। क्या होगा लॉ ऑफ सप्लाई? अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। दैट इज व्हेन द प्राइस राइजेस, क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज एंड वाइस वर्सा। एनीथिंग न्यू? नो सर। बस लॉ ऑफ सप्लाई लिखा है उन्होंने, हमें इज्जत देनी थी तो एक बार मुझे पढ़ के सुनाना था, वरना ये सब हम ऑलरेडी सुन चुके हैं बहुत बारी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, सिट्रस पैरबस। तो प्लीज ये ध्यान रखना है, एग्जैक्टली रखना है, अदर थिंग्स अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाई। अजम्पशंस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड रिमेन द सेम, देर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन द सेम, देर शुड बी नो चेंज इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, गोल्स ऑफ द फर्म शुड रिमेन द सेम। तो लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई कर्व ही है आपका, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई, इट स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एज इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, इट डज नॉट इंडिकेट द मैग्निट्यूड ऑफ चेंज। लॉ ऑफ डिमांड आपको ये तो बताएगा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, कितने से वो क्वांटिफाई नहीं कर सकता, वो इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे हम। तो इट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिफाई करेगा इलास्टिसिटी, तो ये तो हम सुन चुके हैं। इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रपोर्शनल रिलेशनशिप, अगेन वो क्वांटिफाई नहीं कर सकता कि प्रपोर्शनल, कि अगर प्राइस 10% से बढ़ा तो क्वांटिटी कितने परसेंटेज से चेंज होगी। इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड रिजल्टेंट क्वांटिटी सप्लाई। लॉ इज वन साइडेड एज इट एक्सप्लेन्स ओनली द अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन सप्लाई, नॉट द अफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन द प्राइस। वो ये बताता है कि प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा, सप्लाई चेंज होने से प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा वो नहीं बता सकता। जब मैंने आपको असाइनमेंट दी थी शाश्विता, आपने पूछा था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, यस इम्पोर्टेंट है, समझ आ गया? सर, इट इज वन साइडेड, इट एक्सप्लेन्स ओनली द अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, प्राइस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी। हम ये स्टडी नहीं कर रहे कि अगर क्वांटिटी चेंज होगी तो प्राइस का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, नो, प्राइस का बिहेवियर स्टडी नहीं हो रहा, क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो वन साइडेड है, टू साइडेड नहीं, इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ सप्लाई, अजम्पशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो जितनी हमने बातें करी कहीं ना कहीं सारी की सारी किससे रिलेटेड थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, पूरा चैप्टर उसी के आसपास घूमेगा। Thank you.